एवरीवन, कैसे आप लोग? आजकल सब अपने अपने घरों में साफ़ सफाइयों पे लगे होंगे ना। नवरात्रि जो है ना, तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाइयाँ हो रही होंगी। पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन जो बहुत मतलब अगर उन्होंने पर्दे साफ़ कर लिए, उनको फिर भी लगता होगा कि पर्दों को दोबारा से साफ़ करना चाहिए, अभी अच्छे से साफ़ नहीं हुए हैं, तो वो एक ही पर्दे को चार चार पाँच पाँच बार साफ़ कर रहे होंगे, है ना। कुछ लोग होंगे कि अगर वो घूमने के लिए जा रहे हैं, स्पेशली लाइक कलकत्ता में लोग बहुत घूमने के लिए जाते हैं दुर्गा पूजा के टाइम पे, उनका पंडाल हॉपिंग होता है। इस साल थोड़ा कंपैरेटिवली कम हो रहा है, बट देन ऑल्सो लोग जाते तो हैं। बट अब घर से जाएंगे तो उनको अपने घरों में लॉक भी करना होगा, चेक करना होगा जाने से पहले कि लाइक लाइट ऑफ की है कि नहीं की है, या फिर गैस सिलेंडर्स नीचे से मतलब पूरे बंद किए हैं कि नहीं किए हैं, है ना। तो पर मैं यहाँ कुछ पर्टिकुलर लोगों की बात कर रही हूँ जो बार बार चेकिंग करते हैं, लाइक उनको एक वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि, या उनको वो ट्रस्ट नहीं होता है कि ओके जो ये कर लिया है, या उनको एंजाइटी होती है कि नहीं नहीं एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं अगर भूल गए हों गलती से, या फिर ये ठीक से हमें चेक कर लेना चाहिए, या फिर उनको अर्ज होती है बार बार करने की। स्पेशली जैसे आज अभी तो पूजा का टाइम है, तो सबको लगता है कि अपने घरों की साफ़ सफाई करें, स्पेशली कोरोना के चक्कर में तो लोगों ने अपने घर को बिल्कुल साफ़ करके रखा होगा। बट देन ऑल्सो अभी स्पेशली कुछ लोग, यहाँ मैं कुछ पर्टिकुलर लोगों की बात कर रही हूँ जिनको मतलब एक कंपल्शन हो जाता है, अगर आपकी लाइफ में, आपके नोन लोगों में, या आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनको इस तरह का प्रॉब्लम है कि अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल अगर फ्रूट्स धो लिए हैं और वो दो सेकंड के लिए कहीं गए उन फ्रूट्स को छोड़ गए, और फिर वो वापस आते हैं उनको काटने के लिए, तो उनको लगता है नहीं नहीं ये फिर से वॉश कर लेने चाहिए, कहीं ये गंदे ना हो गए हों, ठीक है। तो ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं OCD। ओके, OCD का मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओके, तो इसमें इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो अगर किसी को इसका इसके लिए हेल्प चाहिए तो दे कैन कनेक्ट मी, दे कैन टेक द हेल्प थ्रू द चैनल, थ्रू द फ़ोन नंबर, थ्रू द कमेंट सेक्शन। तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। और अगर किसी को बताना है कि उनको किस तरह का कंपल्शन होता है, किस तरह का ऐसे अर्जेस होते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो से आज आप थोड़ा सा डिफरेंट है ऑब्वियसली और दिनों के वीडियो के कंपैरेटिवली, बट आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी इंडिया ज़िंदगी। आई एम योर कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट राखी। थैंक यू।